स्वागत है, मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश की खबर को सहानुभूति बटोरने के लिए फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि आज एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मुझसे मिले, उन्होंने पूरी जिंदगी सीआईडी में काम किया है। उस अधिकारी ने मुझे बताया कि इन खतों में कुछ दम नहीं है, अगर धमकी से भरे खत मिलते हैं तो कोई अखबार को नहीं बताता, सीआईडी को सूचित करता है और सतर्कता बरती जाती है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से विशेष संपर्क अभियान के समर्थन और सहयोग की पेशकश उस शख्स से भी की गई जो न केवल मकोका आरोपित रह चुका है बल्कि उस पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुरानी दिल्ली के डेविड लेन स्थित मोहन सिंह पहलवान के घर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे और बीजेपी सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया और मोहन सिंह से समर्थन मांगा। इस अभियान के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कार्यक्रम में पहुंचना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर एक बार फिर से निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि उनके ऊपर रोज नए केस हो रहे हैं, सभी केस भाजपा नेताओं ने करवाए हैं, एलजी साहब का यही काम है, दिल्ली सरकार के खिलाफ केस दर्ज कराओ, हर केस में गिरफ्तार कराओ, केंद्र सरकार और पीएमओ दिल्ली में काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश वाले बयान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि पवार की इतने नीचे गिरने की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किए और उन्हें पीएम मोदी की हत्या की साजिश की बात आ रही है उस पर शरद पवार संदेह कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए। उन्होंने घटते जीडीपी, बढ़ते पेट्रोल के दाम, किसानों की बदहाली और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। तंज भरे लहजे में वो बोले कि देश भर के यूनिवर्सिटी में काफी खलबली मची हुई है क्योंकि युवाओं को पता है कि उनके ग्रेजुएट होने के बाद कोई नौकरियां नहीं होंगी। अब तक किसी ने उस नए विचार को नहीं अपनाया है कि पकौड़ा तलना भी एक नौकरी है। सपा के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अगर हमें 2-4 सीटों की बलि भी चढ़ानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है और इसके लिए हम कम सीटों पर लड़कर भी बीएसपी से गठबंधन करने को तैयार हैं। उपचुनाव में बीएसपी से हुआ गठबंधन 2019 में भी जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सदन में ज्यादातर उपस्थित न रहने को लेकर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को रखी है। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज 71वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए राजद नेताओं और समर्थकों का पटना आवास पर तांता लगा रहा। खबर है कि लालू के 71वें जन्मदिन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 71 पाउंड का केक तैयार करवाया। आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शामिल होने पर शिवसेना के आरोप पर बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जवाब दिया है। शर्मिष्ठा ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमान राउत राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद मेरे पिता फिर से सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। दरअसल कल शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रणब मुखर्जी को आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर कहा था कि बीजेपी 2019 के लिए लोकसभा चुनाव में मुखर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। राजद अध्यक्ष के जन्मदिन से पहले उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच मनमुटाव की खबरों पर अचानक जोर शोर फैला था लेकिन जिस वजह से ये विवाद बताया जा रहा था अब उसमें बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बातें कुछ हद तक मान ली गई हैं। तेज प्रताप के करीबी राजेंद्र पासवान को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। इससे पहले बताया जा रहा था कि तेज प्रताप राजेंद्र पासवान को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तड़के 4 बजे के करीब तालाग्राम थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि छात्रों की गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था जिसके बाद सभी छात्र सड़क के किनारे खड़े हुए थे तभी एक बेकाबू रोडवेज बस ने उन्हें रौंद दिया।
गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मीडिया से बातचीत में सनी लियोनी को लेकर बयानबाजी की है। संवाददाताओं से पटेल ने कहा कि अगर हमें सनी लियोनी को फिल्मों में उसी नजर से देखना चाहिए जिस तरह से हम नरगिस श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को देखते हैं, तो इसमें भला दिक्कत क्या है। हमें सनी लियोनी को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए जैसे कि अन्य सभी अभिनेत्रियों को। ईद का जश्न बॉलीवुड में शुरू हो चुका है और स्टार्स आए दिन इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बीती रात कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें सलमान खान पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड लूलिया वंथूर और एक्ट्रेस मौनी राय के साथ साथ बहुत से सितारे इस पार्टी में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयात शुल्क लगाए जाने के फैसले की आलोचना को लेकर भारत पर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्यादातर देशों ने अमेरिका को पिगी बैंक यानी गुल्लक समझ रखा है। जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म धड़क का ट्रेलर रिलीज होने से पहले जाह्नवी के भाई अर्जुन कपूर ने बहन जाह्नवी के लिए बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है। अर्जुन ने दो तस्वीरें शेयर करते हुए कल लिखा कि कल से आप भी ऑडियंस से हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी क्योंकि आपकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। अगर आप मेहनत से काम करते हैं, प्रशंसा और क्रिटिसिज्म दोनों को लेकर आप तैयार रहें। ये बहुत आसान नहीं होगा लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इस सब के लिए तैयार हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए वन न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।